कड़ोदरा पुलिस मथक इंचार्ज आईपीएस अधिकारी विशाखा जैन द्वारा रिक्षा में वधता जता गुनाओं एटीएम ठगाई सहित गुनाओं ने अटकाववा माटे लोगों ने मार्गदर्शन मिली रहे ते माटे बेनर लगाड़वामां आव्या छे। कड़ोदरा पुलिस मथक की हद में एटीएम फ्रॉड तेमज रिक्षा में मुसाफरो ने लूटी लेवानी घटनाओं ने पगले ग्राहकोए अने मुसाफरोए केवी रीते सतर्कता राखवी ते बाबतनुं पोस्टर मार्गदर्शन आपता पोस्टरो जाहेर मार्गो अने रिक्षा पाछळ लगावी लोकोमां जागृति लावानो प्रयास कर्यो हतो। पिछले दो तीन दिनों में हमने एक और पहल की है जिसके तहत हमने जो आए दिन बनते हुए एटीएम फ्रॉड के जो बनाव हैं उन पर रोक लगाने के लिए हमने कुछ बैनर्स लगाए हैं सारे एटीएम्स में। कड़ोदरा विस्तार में जितने भी एटीएम्स हैं सब में एक बैनर लगाए हुए हैं ताकि जो कम पढ़े लिखे या बिना पढ़े लिखे जो पर प्रांतीय हैं जो मजदूरी करते हुए जो लेबर है जो मेहनत करके बड़ी मुश्किल से पैसा कमाते हैं और उस पैसे को जब कोई चोर चोरी करके ले जाता है तो उस तरह के बनाव को रोकने के लिए हमने वो बैनर्स लगाए हैं जिससे कि वो ज़्यादा अवेयर हो जाए, उन्हें पता चले कि उन्हें एटीएम कार्ड किसी और के हाथ में नहीं देना है, कि एटीएम क्लोनिंग क्या होती है, कोई और व्यक्ति अगर आपसे एटीएम ले रहा है तो वो कब आपके एटीएम को किसी दूसरे एटीएम कार्ड में बदल देगा वो आपको पता भी नहीं चलेगा और अगले ही दिन आपकी पूरी बैंक अकाउंट खाली कर जाएगा। तो इस तरह की अवेयरनेस के लिए हमने इन बैनर्स को लगाया है। साथ ही कड़ोदरा चार रस्ते से लेके सूरत बाडोली रोड अथवा हाईवे पे जब रिक्शा वाले पैसेंजर्स लेते हैं तो कुछ एक रिक्शा हैं जो चोरों की गैंग बना कर आते हैं, उसमें दो तीन लोग ऑलरेडी बैठे हुए होते हैं, साथ में एक रिक्शा चालक होता है। तो वो किसी अगर पैसेंजर को किसी यात्री को चार रस्ते से उठा रहे हैं या सीएनजी कट से उठा रहे हैं या चलथान कट से उठा रहे हैं तो वहाँ पर वो उन्हें बिठाएंगे, फिर आगे पीछे करते हुए कुछ बहाने करेंगे जिसमें आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपकी जेब से कोई कीमती वस्तु निकाल ली हो, फ़ोन चोरी कर लिया हो या बैग से कैश निकाल लिया हो या पॉकेट से वॉलेट निकाल लिया हो। तो इस तरह की चोरी आए दिन इस तरह की चोरी की घटनाएं आए दिन बनती रहती है। तो इस पर रोक लगाने के लिए भी हमने हर रिक्शा के बैनर पे हर रिक्शा के पीछे हमने बैनर लगाया है इसकी जागरूकता फैलाने के लिए, ताकि जब मुसाफिर रिक्शा में बैठे तो सावधानी बरते, रिक्शा का नंबर नोट करें, ओनर प्लेट वाले रिक्शा पर ही बैठे, ओनर प्लेट वाले रिक्शा पर ओनर का नाम और फ़ोन नंबर लिख लें या तो फिर अपने मोबाइल फ़ोन में उसका फ़ोटो उतार लें, जिससे कि अगर इस तरह के बनाव बने भी तो पुलिस को डिटेक्शन में आसानी हो।